सो गाइस, इन दिस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड ऑल थिंग्स आर रैंडम, यानी मतलब मैं किसी भी चीज़ को तोड़ता हूँ तो मुझे वुड इज इक्वल टू स्टिक, यानी वुड के साथ स्टिक मिल सकती है, वुड के साथ एमराल्ड मिल सकता है और बहुत कुछ। तो देखते हैं भाई हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्टली मैं इसको तोड़ देता हूँ, तो भाई मुझे देख सकते हो कि आई कैन गेट मैप और स्टिक मिल चुका है मुझे। तो अब देखते हैं कि भाई हमें और क्या मिलने वाला है। भाई फ्लोर मिला है वुड में से, जो कि बहुत अच्छी बात है, और मेरे पास अभी चेस्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, देखो भाई कोल्ड एंड फ्लिंट भी मिल चुका है। और देखते हैं कि भाई इस डट में से क्या मिलता है। डट में से मुझे कुछ मिला है लेदर जैसा, और हमें केक मिल रहा है ग्रास में से। भाई साहब मटन भी मिल गया, मतलब ये घास को हम खा सकते हैं। और भाई और देखते भाई ग्रास में से एक और एमेरल्ड निकला। भाई एमेरल्ड ग्रास में से एमेरल्ड निकला, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार। बेड भी निकला, देख पा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बॉग भी मिल चुकी है जिससे अपन मार सकते हैं तीर से। और फाइनली अब देखते हैं कि इसमें से क्या निकलने वाला है। इसको बिर्च वुड बोलते हैं, और बिर्च वुड यानी बिर्च वुड इज इक्वल टू एमेरल्ड। भाई बिर्च वुड इज इक्वल टू एमेरल्ड, यानी इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ निकलने वाली है इस पूरे वर्ल्ड में। यानी हमें सर्वाइव करने पे, ज़ोंबी को मारने पे भी अलग अलग चीज़ें मिलेगी। यानी हमें ग्रास में से मिलने वाला है नई नई चीज़ें, जैसे कि मुझे देख सकते हो तीर मिल चुका है, और यहाँ पे मुझे शंख भी मिल चुका है, और अब मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड भी मिल चुकी है, गोल्डन स्वॉर्ड। तो सबसे पहले मैं गोल्डन स्वॉर्ड ले लेता हूँ। अरे भाई साहब, तो गाइस हमें मिल चुका है स्नो बॉल भी, और इसमें देखते हैं इसमें हमें क्या मिलने वाला है। तो गेस करना। अरे भाई मुझे मिल चुका है घोड़े पे बैठने के लिए, और रेल कार्ड भी मिल चुका है। अब फाइनली इस ग्रास के अंदर देखते हैं कि हमें मिलता क्या है। तो इस ग्रास के अंदर मुझे वापस से बेड मिल चुका है, और इसके अंदर मुझे मिला है चिकन, और यहाँ पे देखते हैं कि इस वुड के अंदर क्या मिलने वाला। सो गाइस इसके अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसके अंदर मुझे मिल चुका है एक वेस्ट। अब इसके अंदर देखते हैं कि हमें एक और चीज़, अब सबसे पहले वेस्ट लगा लेते हैं हम, और मेरे पास केक भी है, इसे खा लेंगे अगर हमें भूख लगती है। तो फाइनली इसके अंदर देखते हैं कि क्या मिलने वाला है। अरे भाई फ्लोवर मिल गया एक और, मतलब नहीं वो बोन मिले था ऐसे, तो हमें एक बोन मिल चुकी है, और साथ में मशरूम भी मिल चुका है। मतलब यार वुड में से मशरूम निकल रहा है, फ्लोवर के अंदर देखते हैं कि भाई फ्लोवर के अंदर क्या मिलता है। तो फ्लोवर के अंदर मुझे मिल चुका है एक साइड से कंपास मिला है मुझे, और इस फ्लोवर के अंदर मुझे मिला है एक और स्नेल की बॉडी में जो ऊपर होता है वो मिला है, और यहाँ पे कॉल मिला है इसमें से। और इसमें से देखते हैं कि भाई क्या मिलने वाला है। इसमें से मुझे कुछ मिला तो है पर वो ना जाने क्या है। अरे भाई मेरा फूल हो गया, मतलब पोटेटो मिला है, और यहाँ पूरा फूल हो चुका है, और मेरे पास इंचार्जमेंट भी है। और अब देखते हैं कि हमें और चीज़ें क्या मिलने वाली है। तो भैया जी और चीज़ें देख लेते हैं, मेरे पास गोल्डन स्वॉर्ड भी, और हमें क्राफ्टिंग टेबल बनाना है। सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, और इससे हम बना देते हैं सबसे पहले हमारा चेस्ट। तो चेस्ट के बनाने के बाद हम सारी चीज़ें उसमें स्टोर कर देंगे, और चीज़ें फाइंड करेंगे। तो भाई देखते हैं कि हमें इसमें से क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तीन चेस्ट बना लेता हूँ, ताकि आसानी हो मेन सामान को रखने में। तो फाइंड मुझे लगता है वो रेड कलर का वो एक आता है ना, वो भी मुझे मिल चुका है, इसलिए मेरे पास अभी मैं लाल टेन। तो क्या रियली मैंने चेस्ट बना लिया है कि नहीं बनाया मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। भाई सबसे पहले मैं वुड निकाल लेता हूँ, मुझे चेस्ट बनाना है अभी। तो सबसे पहले अपन तीन चेस्ट बना लेते हैं, ताकि भाई सारा चीज़ उसके अंदर रख सकें। तो सबसे पहले मैं तीन चेस्ट यहाँ पर लगा लूँगा, ताकि सारी चीज़ें उसमें स्टोर करके कुछ नई चीज़ों में ट्राई करें। तो फाइनली मेरे पास थ्री चेस्ट है, और थ्री चेस्ट से हम पूरा जो सामान है उसको रख कर वापस से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं चेस्ट को लगा देता हूँ, और भाई ये माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है, तो इससे हम ये मोबाइल में खेल रहा हूँ, तो भाई कुछ तो अलग लगेगा, और डिफ़िकल्टी भी आएगी, तो भाई उसके लिए सॉरी। पर आप इन्जॉय करो वीडियो को, और देख लो भाई मेरे को बीर छूट है, तो इसको अपन नहीं रखेंगे। बाकी जो सारी खाने की, तो गाइस सारी खाने की चीज़ें मैं रख देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ पे बोन मिल वन मिल सब रख देता हूँ। तो गाइस फाइनली सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी है, और हमें रात का इंतजार है कि भाई रात को ज़ोंबी के अंदर से हमें क्या मिलने वाला है। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि ज़ोंबी के अंदर से मुझे मिलने क्या वाला है। देखो भाई रात तो हो चुकी है, और भाई जो ये जो आर्मर है वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से वुड, और वुड को निकालने के बाद देखो भाई मुझे गोल्डन घोड़े को बिठाने के लिए मिल चुका है वुड के अंदर से, और जो कि बहुत बढ़िया बात है। और भाई एक और केक मिल गया, यानी दो दो केक हो चुके हैं मेरे पास, नहीं दो केक नहीं, ये बाउल मिला है शायद से मुझे, जिसमें मैं कुछ खा सकता हूँ, यानी इसके अंदर मैं खीर खा सकता हूँ भाई साहब। तो फाइनली इसको भी तोड़ लेते जाके हमें और ज़्यादा चीज़ें मिल पाए। तो यार देखते कि और क्या मिलता है। भाई शीप को मारेंगे तो क्या मिलेगा, पर शीप को मुझे मारना चाहिए कि नहीं। भाई मुझे मकड़ी दिख चुकी है, इसको मकड़ी को मारेंगे, शीप नहीं मारेंगे। तो चलो मकड़ी को मार लेते हैं, मकड़ी हमारे पीछे पड़ चुकी है, इसको मारना बहुत कठिन होगा क्योंकि मैं पॉकेट एडिशन खेल रहा हूँ, पर देखते इसको मार पाते कि नहीं, और यहाँ पे ये मर चुकी है। और फाइनली मुझे इसके अंदर से वेब मिल चुका है, और फाइनली इसको देख लेते कि ये हमें क्या देने वाला। तो इसे मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब ये यार गोल्डन स्वॉर्ड में ज़्यादा दम नहीं है, देख सकते हो इसका कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है, मतलब ये मुझे कुछ नहीं दे रहा है। रोटेन फ्लिश दिया इसने मुझे, वो भी बस खाने के लिए ही, अभी मेरे को खाना नहीं चाहिए। और भाई एक और मकड़ी आ गई, मतलब सब मुझे ख़त्म ही करना चाहते हैं भाई, ये रेंडम है, और इसमें गजब की
चीज़ें आ रही है, मतलब मकड़ी आती जा रही है, आती जा रही है। मुझे लगता है कि इसमें रेंडम मॉब्स भी आते हैं, इससे तो इतने ज़्यादा मॉब्स आ चुके थे। और यहाँ पे फाइनली मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, और यहाँ पे मुझे मकड़ी ये दिख रही है, और इसे अपने ख़त्म करना है। और इस यहाँ पे यार ये मकड़ी मुझे देख नहीं पा रही है, तो अच्छी बात है। और मुझे वुल्फ दिख चुका है, उसे अपन पालेंगे। पर यार मुझे उस वाले ज़ोंबी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, स्केलेटन ने, तो यार अब क्या करेंगे, उसको पालेंगे से। तो अब करना क्या, देखो मैं फ्लोवर तोड़ लेता हूँ, फ्लोवर से मुझे क्या मिलेगा। अरे भाई केरोड मिल गया फ्लोवर से, भाई इसमें कुछ नहीं मिला, इसमें देखते इस वाले फ्लोवर में कुछ मिलेगा। अरे इसके अंदर मुझे एमेरल्ड मिला, इसके अंदर देखते भाई, इसका तो पता ही नहीं, देखते इसके अंदर क्या मिलता है। भाई एक वो प्लेट मिल चुकी है जिसके अंदर अपन कुछ रख सकते हैं, यानी अरे भाई कोल मिला, गोल्डन एप्पल, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। अरे तो और यहाँ पे एक और मिल चुका है अपन, रेड स्टोन डाई मिल चुका है। मैं सामने क्रीपर है भाई साहब, इससे भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ओ भाई इसने एंडर आई दे दी, मतलब इसने मरते मरते अपना एंडर पल दे गया। अच्छा हाँ, अरे भाई ये क्या गजब से मार रहे हैं यार, मतलब देखो एक और एंडर पल मिल चुका है क्या हमें, कि एंडर आई है कि एंडर पल है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको बहुत कम खेला है। पर देखते हैं भाई, मुझे लगता है कि एंडर आई है, और ये मुझे मिल क्यों नहीं रही। अरे भाई एक और क्रीपर आ गया, एक और क्रीपर आ गया, अब तो भागना पड़ेगा। मेरा लगता है पूरा बैग फुल हो चुका है और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पर इसको सबसे पहले फोड़ देते हैं। अरे भाई फोड़ने पर डैमेज दे रहा है, मतलब बहुत गजब गजब मार रहे हैं यार ये सब, मतलब गोल्डन स्वॉर्ड तो टूटी गई है मेरी। और ये वुल्फ अपना भी नहीं है जो अपनी मदद कर सके, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और देखते कि अपन और क्या कर पाते हैं। भाई ये वीडियो में वो शॉर्ट बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट बाद में लेके आ जाएंगे। पर अभी देखते कि हम इससे क्या बच पाएंगे। रियली मुझे यहाँ पे वेब दिखा है, यानी स्क्रीपर ने अपनी दोस्त को ही ख़त्म कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है यार, मतलब अपने दोस्त को ही मार दिया। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है, तो यार इसको सबसे पहले ख़त्म कर देते हैं। अरे भाई गोल्डन स्वॉर्ड ख़त्म नहीं हो जाए, मतलब क्या घटिया गोल्डन स्वॉर्ड है, मतलब इससे अच्छी तो अपनी वो जो स्टोन स्वॉर्ड होती है वो है। तो देख लेते भाई, मकड़ी नहीं आनी चाहिए कोई सी भी, अगर कोई मकड़ी या क्रीपर आ गया ना तो भाई बहुत, अरे दो दो क्रीपर, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली ये मेरे ऊपर रश कर रहे हैं, और ये बिल्कुल रश गेम प्ले दिखा रहे हैं, तो यहाँ से भागना पड़ेगा भाई। मैं कुछ भी नहीं ले सकता, मेरा बैग फुल है, और यहाँ पे कोई चांस नहीं। एक और क्रीपर यार, क्या है, मतलब बहुत बुरा फंस चुके हैं। और हम यहाँ पे वापस चलते हैं हमारे चेस्ट के पास, जहाँ से हमें मिल चुका है बेड, मिल जाएगा तो हम फटाक से सो जाएंगे। भाई सोना ही पड़ेगा, अब तो कुछ चारा नहीं है, वरना ये अपन को ख़त्म कर देंगे। तो देखते हैं कोई चेस्ट के आसपास तो नहीं, वैसे कोई भी नहीं है चेस्ट के आसपास, कोई भी नहीं है, हमें छुप छुप के जाना पड़ेगा भाई, कोई भी नहीं। अरे भाई ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई। भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे रही है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। एक तो ये जा मर भी नहीं रही है, मर भी गई तो क्या कर लेगा, अगर कोई क्रीपर आ गया तो भाई वो जल्दी ख़त्म कर देगा। तो फाइनली हम इसे ख़त्म कर चुके हैं, और मुझे यहाँ से बेड लेना होगा फाइनली, फटाक से बेड ले लेते हैं। अगर अपन मरते तो ये वीडियो एंड हो जाएगा अब, तो देखते कि भाई अब क्या करना है अपन को। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, और गाइस मिलते हैं अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो पर 10 लाइक आते हैं तो इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए।